कहते हैं कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, उन्हें सिर्फ समझा और महसूस ही किया जा सकता है। बुधवार की दोपहर और यहाँ शहर के अंतर्गत मंडी समिति के समीप कुछ प्रवासी मजदूर सैकड़ों मील का लंबा सफर तय करके पैदल अपने घरों को जाते दिखे, जिनके पैरों में ना तो चप्पलें थी ना ही जेब में खरीदने के लिए पैसे। इस पर वहां से गुजर रहे इटावा सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया के नजदीकी सामाजिक कार्यकर्ता भूपेश अग्रवाल ने उनके दर्द को समझा और आनंद फानन में उनके लिए बाजार से चप्पलें मंगाई। करीब एक सैकड़ा से अधिक लोगों को उन्होंने चप्पलें मुहैया कराई ताकि उनका सफर कुछ आसान हो सके। इस दौरान भूपेश अग्रवाल ने कहा कि वो मात्र एक जरिया है जो लोगों की मदद के लिए आए। मदद तो सिर्फ ईश्वर करता है, इंसान तो उनके आदेशों का पालन करते। अग्रवाल ने बताया कि जब उन्होंने नंगे पैर चल रहे लोगों को तपती धूप में देखा तो इस बात का कष्ट हुआ। उन्होंने शहर के गणमान्य लोगों से अपील की कि चप्पल मिला है और खाना मिला है। अब आप किससे जाओगे? गाड़ी तो बाबूजी को कुछ कहना चाहोगे? खाना भी खिलाया, चप्पल भी दी, क्या कहोगे? क्या कहेंगे बाबूजी, अच्छा काम किया हम लोगों के लिए। चप्पल टूट गई थी, बाबूजी ने खाना खिलाया, चप्पल लाया। कहाँ जा रहे हो? पटना जा रहे हो? मेरी कोई सामर्थ्य नहीं है किसी को कुछ दान करने की, ये ईश्वरीय काम है। लोग पैदल अपने घर की ओर जा रहे हैं, पैरों में छाले पड़ रहे हैं, चल नहीं पा रहे हैं, नंगे पैर हैं। तो मैंने ये आह्वान किया था और यह नगर के बड़े गणमान्य लोगों से कि ऐसे लोगों को अगर हम चप्पल पहना के यहाँ से भेजेंगे तो वो वास्तविक रूप से ईश्वरीय कार्य है, ईश्वर की सेवा है। इसलिए हमने निश्चय किया है कि इस हमारे प्रसादम में जो लोग आ रहे हैं, यदि उनके पास चप्पल नहीं है, जूता नहीं है, उनको किसी प्रकार की और कठिनाई है, तो उनकी सब कठिनाइयों में हम लोग सहयोगी बनके कठिनाइयों को हल कराएंगे। और ये हमारे आदरणीय सांसद डॉक्टर रामशंकर कठेरिया जी के कारण से, उनके आह्वान पर, उनके निर्देश पर सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। हम यहाँ 4-5 हजार जितने भी लोग आ सकते हैं सबको प्रतिदिन भोजन कराते हैं, सबको चाय पिलाते हैं, सबको शरबत पिलाते हैं, बच्चों के लिए बिस्किट की व्यवस्था की है, ऐसी सारी व्यवस्था है। और मेरे बहुत निकट के सहयोगी एक हमारे 20-22-25 बच्चों की ये टीम है, इन बालकों के सारे सहयोग के कारण से ये सारा कार्य चल रहा है।